ये देखो गाइस, सेब का पेड़। और जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो उसको थोड़ी पता था कि ये सेब है। उसने तो खाली एक नॉट, जब उसने मेरी ब्लॉग देखा उसके बाद उसको पता चला कि ये सेब का पेड़ है। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। देखो गाइस, हम आ चुके हैं आज फिर से, एक बार फिर से आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। और गाइस, हम बात करेंगे आज सौरभ जोशी के बारे में। तो आप सौरभ जोशी को तो जानते हैं, हल्द्वानी की खोज इन्होंने की थी, वही है हमारे जाने माने सौरभ डिगामा, जिन्होंने हल्द्वानी की खोज की। तो आज हमसे मिलने आ रखे हैं सौरभ जोशी। वो कह रहे थे भाई जी, हम बहुत रोस्ट हो चुके हैं तो हमें बचा दो, कुछ ऐसी बातें करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे हम इतना रोस्ट ना हो पाएँ। तो हम स्वयं मतलब सौरभ जोशी हमसे मिलने आ रखे हैं। तो गाइज, मिलवाते हैं सौरभ जोशी से। भैया हमको बचा दीजिए आप। ये देखो सौरभ जोशी, सस्ता सौरभ जोशी। सौरभ जोशी भाई, चश्मा कहाँ है आपका? चश्मा मियां खलीफा ले गए। बिना चश्मे के दिखता है आपको अच्छे से? नहीं, कुछ नहीं दिखता है। अकल तो ऐसी भी गायब है। अकल गायब है, अकल तो है ही नहीं। वही तभी तो आपने शायद, मेरे को लगता है, उसकी हल्द्वानी की खोज की है ना। हाँ, वो चश्मा मियां ले गए ना, उसने बोला और चीजों की खोज करूंगी। शायद मेरे को लगता है उस टाइम आपने चश्मा नहीं पहना था। उस टाइम चश्मा नहीं पहना था, दिल्ली तक देख लेते। दिल्ली की खोज हो जाती है। अरे गजब सौरभ जोशी भाई, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको फुल ट्रोल करूंगा। नहीं नहीं, मतलब आपका फुल सपोर्ट करूंगा। गलत सुना आपने, ट्रोल नहीं बोला, सपोर्ट बोला है। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ आ चुके हैं तो मैं आपको बचाऊंगा पब्लिक से। पब्लिक तो रोस्ट कर रही है हमको। कोई बात नहीं, हम आपको ट्रोल करेंगे। नहीं नहीं, सपोर्ट सपोर्ट देखो, सपोर्ट देखो, जो वो कम हो जाती है, हमारी रीच घट जाएगी यूट्यूब पे। रोस्ट मत करो हमको। तो गाइस क्या करें, आपका चैनल उड़ा दें, नया चैनल बनाओगे आप? नहीं 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 भाई, पूरा परिवार ही इस चैनल से चल रहा है। आने वाली 6 पुस्तें इसी चैनल से खाएंगी। वही तो, आप क्योंकि हमारी आने वाली 6 पुस्तों तक किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है। सौरभ भाई, आप एक काम क्यों नहीं करते, आपका जो पुराना पेंटर का काम था वो क्यों नहीं चालू कर देते आप यूट्यूब में? आप यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। वो पेंटर का काम मैं कर लूंगा, पर दिहाड़ी कम मिलती है वहाँ पे, 700 रुपये दिहाड़ी है। नहीं सौरभ भाई, आपका काफी नाम है, आपको तो ऐसे ठेके मिलेंगे। नहीं तो ठेकेदार लेंगे ना। नहीं, हम हमसे तो ऐसे दिखता ही नहीं, हम लाल को पीला बता देंगे। सही हो, तुमको तो पता है। तो आपको चश्मा मियां ले गई। कितने पॉइंट का चश्मा आपका? 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 मेगापिक्सल का। अरे वाह, इसमें तभी तो आ रहे, पूरा हल्द्वानी दिखा इसमें, नहीं तो मैं अपने घर का तकिया तक नहीं देख पाता। अरे सौरभ भाई, कोई बात नहीं, होता है होता है। चश्मे आपको 3-4 बनवाने चाहिए, उस टाइम लगता है मेरे को आपने चश्मा नहीं पहना था अपना, तभी आपने हल्द्वानी की खोज की। हल्द्वानी की खोज तो मैं कर देता था, वैसे मैंने नमक पानी की खोज की थी, पर वो थोड़ा चश्मा पहनना भूल गया, नहीं तो पूरी दिल्ली तक की खोज कर लेता। अरे यार सौरभ, मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद जब चैनल बंद होगा तो उसके बाद मुझे ना ये पेंटर का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। पेंटर ही बढ़िया था आपका, जो कारोबारी धंधा था वो बढ़िया था, बढ़िया चलता आपका खानदानी धंधा था। वैसे दिहाड़ी कितनी चल रही है अभी? दिहाड़ी पेंटर की काफ़ी है भाई साहब, 700। ठेके में चल जाएगा? बढ़िया, ठेके में बढ़िया है, कम से कम आप 5,000 महीना छापोगे। महीना नहीं, एक दिन का, एक दिन का 5,000 रुपये बहुत है? बहुत नहीं है, यहाँ से हम 1,00,000 कमाते हैं एक दिन का। गजब बेइज्जती है। 1,00,000? हाँ, हम मैं आपके लिए। पब्लिक तो बैठी है ना, अकल बांट रहे ना यूट्यूब पे। तुमको तो पता है कॉलेज जाने की जरूरत थोड़ी है तुमको। तो मैं हमारे चैनल पे आओ, 15 मिनट का ये। आपके लोकेशन पे, जहाँ आपके घर पे। चलो आप आगे रास्ता दिखाओ हमें। गाइस, मैं पहले बहुत ही गरीब हुआ करता था, घर नहीं था, लकड़ी का झोपड़ा बनता था। ये देखो सौरभ भाई ने पेड़ भी काटा, इससे बनाया मेरे को लगता है। गाइस, जब मैं पेंटिंग किया करता था तो यहाँ पे मैं रहता था। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये देखो गाइस, ये सौरभ भाई की, मतलब जो पहले जो घर हुआ करता सौरभ भाई का, ये था जिस टाइम उनका पेंटर का काम था। इसके अंदर नहीं जा सकता मैं, ये आ जाओ अंदर, आ जाओ। अरे सौरभ, दरवाजा यहाँ से है सौरभ भाई, आप वहाँ कहाँ से कहाँ घुस गए? यहाँ से सिक्योरिटी होती थी हमारी। अच्छा, आप यहाँ से घुसते थे? हाँ, लाइट जला दो। सौरभ भाई ऐसे आग से का करते थे, और बहुत ही गरीबी देखी थी, इससे मैं पेंटिंग करता था, कोयले नहीं होते इससे। फिर घर वालों ने एक रंग का पोछा दिया, पोछे से पेंटिंग की भाई मैंने। सौरभ भाई, अच्छा सच बात है क्या? मेरे को तो हंसी आ रही है। मैंने पोछे से पेंटिंग की, पत्ते जलाते थे। ये था आपका, ये आपका क्या था यहाँ पे? ओ यहाँ पे ये लेटरिन थी, देखो ऐसे बैठते थे अपनी लेटरिन थी। उस टाइम हम इसमें हकते थे और आज हम यूट्यूब पे अगरे हैं। अच्छा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हक दो। मतलब देखो, ये उस टाइम का लेटरिन हुआ करता था, और यहाँ पे मैंने आग जलाई है। ये देखो बीम दिखा दो,
ये बीम था, इसमें टिक रखा है इनका पूरा जो घर है, देख पा रहे हैं गाइस आप, ये घर है उनका गाला भाई का। एक्सपोज मत करना गाइस, बहुत गरीबी देखिए गाइस, यहाँ से देखो पानी टपकता था पानी। देखो गाइस यहाँ से आप विंटर लाइन भी देख सकते हैं, सौरभ भाई ने जिसकी खोज की थी अंदर ही से देखते थे पहले, तभी मेरे को लगता था अभी खोज की इन्होंने। इसी रात को मैं एक दिन देख रहा था, यहीं से खोज की शायद आपने, मेरे को लगता है अंदर से बैठ के। और मेरी पेंटिंग थी यहाँ पे, देखो ये हमने पेंटिंग बनाई थी, ये काले पेपर पे हमने काले पेन से पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, इसीलिए तो दिख नहीं रहा है तभी इतना काला है ये। और उस टाइम तो क्या बोलते हैं, इससे बनाई थी देखो ये कोयला। अच्छा, इसी में बना दिया तभी दिखता है, इसमें मतलब क्या करना पड़ता है, आपका वो वाला चश्मा लगाते जब देखते। मेरा चश्मा है ना वो पहनना पड़ता है, क्योंकि देखो उसके बाद आप देख पाओगे। अच्छा, मेगापिक्सल का चश्मा आपको कुछ भी दिखा सकता है। अच्छा, और ये जो चीज है इसमें आप ऐसे नहीं देख सकते गाइस, जो सौरभ भाई का जो चश्मा है वो पहनना पड़ता है। सौरभ भाई ने भी खोल रखा, सौरभ भाई ने भी खोल रखा है चश्मा, जब सौरभ भाई खोल मतलब उस चश्मे को पहनेंगे, सौरभ भाई दिखाएंगे हमें, उजाले में दिखाना चाहते हैं सौरभ भाई, लगता है चश्मा पहनेंगे, चश्मा तो नहीं है सौरभ भाई का भी। सौरभ भाई देख पा रहे हैं अभी ढंग से नहीं पा रहे हैं, काला काले। इसमें सौरभ भाई अपनी पेंटिंग बनाए करते थे, भी हो चुका है छेद भी हो चुका है, काफी साल पुराना हो चुका है, 20-22 साल पुराना शायद लगता है मेरे को। देखो उस टाइम पे ना हमकी अकल की कमी थी, फिर अमेजोन आया, अमेजोन से सौरभ भाई मेरे को जैसे इसमें कुछ दिख नहीं रहा, काले काले में क्या बनाते थे आप अपने चश्मे, आपका चश्मा कहाँ है, उस पर देखते थे क्या आप? चश्मा मैंने बोला ना वो ले गई, अभी मुझे कुछ नहीं दिखा, जनता ने लूट दिया सौरभ भाई आपको, आप कल के दिन आपको ना लूट ले। अरे उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ से चोर घुसा था अंदर। अच्छा, इस दरवाजे से चला गया, और मैं उस टाइम भागने बैठा था वहाँ पे। अब तो खैर तुमको पता है, सुलभ लैटरिंग बन चुकी है, सुलभ यूट्यूब शौचालय है। तो मतलब देखो उस टाइम पे हम इस पे पेंटिंग बनाते थे, ये देख पा रहे हैं गाइस आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें हमें भी नहीं दिखेगा, हम क्यों, क्योंकि चश्मा हमारे पास है ना, वही तो इसी चश्मे से दिख सकता है जिस चश्मे से हमने वीडियो बनाई है। तो गाइस इन जंगलों के बीच में था सौरभ भाई का घर, और ये देख पा रहे हैं आप यहाँ से सौरभ भाई ने विंटर लाइन की खोज की, सौरभ डिगामा भाई ने, और ये भी इनका था पहले, अब तो यूट्यूब में आगना मतलब सॉरी आगना ने काफ़ी मेहनत की, और ये यहाँ पे तब इनके पास आज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, थार भी इनके पास, थार के ये तो नहीं है इसके ऊपर थार बिठा रखी, नहीं वो थार अभी वहाँ पार्किंग में है ना। अच्छा, सौरभ भाई थार की खोज आपने की क्या? थार की खोज मैंने की, मैंने पहले पब्लिक के पास कभी थार नहीं देखी, सिर्फ आपके पास देखी, क्योंकि थार की खोज मैंने की थी, बस टायर अपोलो का लगा रखा था। स्पाइसी मीट लेनी कुत्ता। अच्छा, नहीं नहीं लेनी नहीं, वो तो बहादुर कुत्ता है, तो बहादुर कुत्ते ने क्या किया, वो उस वहाँ से पीछे से निकल के भाग गया, तो चोर ने देखो यहाँ से चोरी की, सिक्योरिटी थोड़ी, चोर ने ये सिक्योरिटी, और यहाँ वो कहाँ है आपका जो क्या है उसका नाम, वो व्हाइट व्हाइट था चोर, नहीं कुत्ता सॉरी कुत्ता नहीं, क्या बोलते हैं आप उसे, ओरियो बिस्किट का जो नाम पड़ा मेरे ओरियो कुत्ते की वजह से पड़ा। अरे ये बात तभी बोलूं मैं, ओरियो बिस्किट जो मैंने खाया था आपके कुत्ते के कारण पड़ा, कुत्ते के कारण पड़ा तभी फेमस हुआ ओरियो बिस्किट। और तो गाइस आपने इंटरेस्टिंग बात सुनी, जो आपने अभी तक थार इसका हल्द्वानी का जो सुना था आपने कि ये चीजें वायरल हुई है, मतलब इनकी खोज इन्होंने की है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ओरियो इनके पास जो ओरियो कुत्ता है और ये बिस्किट है ना हमारा ओरियो, तो इसकी खोज इनके कुत्ते द्वारा हुई है, तभी ओरियो आज इतना फेमस है इंडिया में। तो असली में पेंटिंग मैंने काले पेन से मुछाली बोलते हैं उसको, मुछाली उससे बनाई थी, और जो हमारी वो थे क्या बोलते हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं आप, ये सौरभ भाई की पेंटिंग है मेरे पीछे, और ये मेरे सौरभ भाई पीछे, ना मैं चश्मा नहीं पहना इसलिए थोड़ा सौरभ जैसे नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं इनको चश्मा पहनाएंगे, वो दाढ़ी लगा रखी नकली, जब ये चश्मा पहन लेंगे तो बिल्कुल सौरभ भाई जैसे दिखते हैं, सौरभ भाई जैसे क्या दिखते हैं, सौरभ भाई हैं, इसलिए अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। विंटर लाइन आप देख पा रहे हैं गाइस, इसकी खोज सौरभ भाई ने की है, और देखो आप जो भी हो यूट्यूबर हमारा वो लेने आ रखे हो क्या बोलते हैं इंटरव्यू, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैं रात को सोया हुआ था ना, जब मैं यहाँ पे सोया रहता था, ये दिखाओ यहाँ पे, तो बोलो सौरभ भाई जो मेरे मोहल्ले के लोग थे ना, मेरे क्रिंज देख के, जब मैं क्रिंज करता था यूट्यूब पे, बहुत ही वाहियात कंटेंट बनाता था, तो लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश यहाँ पे की कि झोपड़ा जला देंगे तो ये भी जल जाएगा, बेकार है भैया मैं तो टूट गया, यहाँ से लोगों ने माचिस डाली अंदर, मेरे को लगता है सौरभ भाई आपके ओरियो ने आपको बचाया है, नहीं तो ये देखो ओरियो उस टाइम पे छोटा था, यहाँ से बाहर निकला था मेरा ओरियो, यहाँ से आपको विंटर लाइन का वो है, ये मेरा वो व्यू है, देखो व्यू विंडो बहुत गरीबी देखी है, मतलब कहते हैं ना कि एक रोटी चार जनों में बांटने वाली बात हो रखी थी,
सरकारी स्कूल में भेजा घर वालों ने एक क्या बोलते थाली लेके थकुली उसमें मैं पहले भात खाता था और शाम को गाई सिग्नल पे आपको वो मैं बताना नहीं चाहता वो गरीबी, बट ये जो पेंटिंग है कोई खरीदना चाहता है अगर इसको तो ये करोड़ों की है गाइस, ये करोड़ों की, इसको अभी हम अपने सिक्योरिटी में अंदर डाल देते हैं, इसको वायरल मत करना, इसको वायरल मत करना गाइस, गाइस आपको पता है इसके बाद सौरभ भाई को कभी ट्रोल मत करना गाइज, काफ़ी खोज की है गाइज इन्होंने, इतनी खोज तो शायद वास्को डिगामा ने नहीं की होगी जितनी इन्होंने की है, सौरभ डिगामा वो तो सौरभ डिगामा है ना, डिगामा वो हमको मिला था। अच्छा, आ जाओ, इन्होंने मतलब पूरे उत्तराखंड की खोज, भारत की खोज इन्होंने की, तो आपको तो पता है आप हमारे भाई जैसे हो, हमको रोस्ट मत किया करो क्योंकि इधर आओ ना, इधर लाइट अच्छी है, सौरभ भाई लाइट की खोज भी मैंने की थी। सौरभ भाई मैं फेमस नहीं हूँ, मैं आपको ट्रोल करूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। हाँ आप मुझे ट्रोल करो, कर लूँ मैं आपको ट्रोल, आप मुझे इतना ट्रोल करो आग लगा दो कि मैं फेमस हो जाऊं, पर हैशटैग सौरभ जोशी रोस्ट डालना मत बोलना ताकि मैं ना सिंपैथी ले सकूं अपनी पब्लिक से। गाइस मुझे ट्रोल किया जा रहा है भाई मुझे, तो गाइस पोपट हो गया यहां पे, ट्रोल किया जा रहा है मुझे पब्लिक की सामने तरह से। सामने पे ट्रोल किया जा रहा है, ये लौंडा बहुत ही वाहियत बातें कर रहा है, लोग आते गाइस मेरी फोटो खींचने और फोटो के बाद मीम बना देते हैं, ऐसा मत करो। देखो ये जो पेड़ था सौरभ भाई देखी, मेरे मोहल्ले वालों ने इस पे लटकाने की कोशिश की मुझे ताकि क्रिंज से बच सके। सौरभ भाई जो आपका ये घर है इसमें आपने पेंट क्यों नहीं किया? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप इतने कलाकार हो तो आप पेंट कर सकते थे इसमें, मतलब पेंट कर सकते मैं थे। तुमको एक चीज बता रहा हूँ, कहीं बोलना मत, मैं सुबह एक गांजे की बीड़ी पीता हूँ, दिन भर में ब्लॉग बनाता हूँ, कसम से सौरभ मैं सुबह एक गांजे की बीड़ी पीता हूँ, उसके बाद दिन भर मुझे पता नहीं क्या क्या बकता हूँ मैं। अभी आप 8 मिनट का बनाते हो सर वीडियो? पूरे दिन की बनाता हूँ, काट पीट के ना वो 8 मिनट ही बनती है, दिन का बनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अरे झांजी आ जाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सौरभ भाई का घर दिखाते हैं, सौरभ भाई का काला काला सा घर है, मतलब मेरे को भी काला काला, ये घर है कि क्या है, ये पेड़ तो नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है यार सौरभ भाई, कुछ नहीं दिख रहा है यार, फिर फैमिली को भी देना पड़ता है ना। सौरभ भाई ऐसी वीडियो मत बनाया करो यार, जूता देखा है मेरा चमकीला जूता है ये देखो, इससे मारूंगा सौरभ भाई, आगे से ऐसे ब्लॉग मत डालना हल्द्वानी की खोज। भाई मैं चैनल छोड़ दूंगा, चैनल ये बकचोदी मुझे पसंद नहीं है सौरभ भाई की, आपने हल्द्वानी की खोज की। भाई मैंने पता नहीं किस किस चीज की खोज की, नींबू पानी, नमक पानी, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं इसको, वो क्या होता है वो न्यूटन भी आप ही तो नहीं थे? नहीं, वो जो सेब गिरा था उसका नाम मैंने रखा था सेब, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, पोपट हो रखा है गाइस। सौरभ भाई का चश्मा मियां खलीफा लेके जा रखी है गाइस, सौरभ भाई ने मेरे को मेरे पीछे पुलिस लगा दी, मैंने उनको ट्रोल किया था, उन्होंने मेरे पीछे पुलिस लगा दी गाइस, क्या करूं, मेरे को लगता है काले पानी की सजा हो जाएगी, भागना पड़ेगा गाइस, गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बेहजाई फैली हुई है, अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो क्या तुमने कभी मरना नहीं है,